अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप सब लोग भी ठीक ठाक और खुश हों। और करते हैं जी बिस्मिल्लाह आज की वीडियो का आगाज़। और आज कुछ दिल की बातें हो जाएं आप लोगों के साथ और कुछ हो जाए ये सफ़र की। और आज हम लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए, तो ये मैंने बस इस दौरान की ही बनाई है, मतलब जाने की वीडियो बनाई है और शॉपिंग करने की है। शॉपिंग जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी अपनी। तो इसके साथ ही आप लोगों ने बेल का आइकॉन को प्रेस कर लेना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें, और शेयर और लाइक तो फिर बनता ही है, वो भी आप ज़रूर कर दिया करें जी। चलते हैं जी आज की शॉपिंग करने के लिए। ये हमारी सिटी थी, और हमारी सिटी से तकरीबन हमारी सिटी जो है ना वो मिड में है, और एक साइड पे है जो रहीम यार खान और एक साइड पे है जी बहावलपुर, और हम रहते हैं मिड में तो हम लोग ना दरमियान में ही हैं, तो इसलिए हम लोग जा रहे थे आज बहावलपुर। तो बहावलपुर जाते हुए बच्चे भी साथ ही थे और इनकी कुछ शॉपिंग करनी थी सर्दियों की, तो जो मैंने कहा तो चल कर लेते हैं। जब भी हम लोग कहीं पे जाते थे ना तो इतना हम खुश हुआ करते थे कि नहीं भैया हम लोग अपने मम्मा और पापा के साथ जा रहे हैं बाहर। और ये होता था कि कभी कभार ही हमारे अम्मी और अब्बी हम जो थे ना, हम जब छोटे थे तो हमारे अम्मी और अब्बी हम ना कभी कभी ही लेके जाया करते थे, कभी ही वो कहते रहते हैं एक दफ़ा कुछ साल में, तो हमारी खुशी की इंतहा नहीं होती थी। और ये जो आजकल के बच्चे हैं जो उनको हर वीकेंड पे उन्होंने बाहर जाना होता है जी, कभी उनका खाना बाहर होता है और कभी उन्होंने जाना होता है कि जी हमें आज कुछ खिलौने ले दें, टॉयज़ ले दें, ये ले दें, वो दे दें, लेकिन उनको खुशी नहीं होती कि हमें ये चीज़ मिल रही है और वो खुश हो जाए। नहीं, खुश नहीं होते, बस थोड़ी देर के लिए खुशी होती है, फिर वो खुशी ख़त्म हो जाती है। पता नहीं भी आजकल के जो बच्चों की सहूलतें ज़्यादा मिल गई हैं इस वजह से, या फिर पता नहीं खुशियाँ ही ख़त्म हो गई हैं। तो ये जी हम लोग पहुँच गए थे अहमदपुर, ये था अहमदपुर का टूल प्लाज़ा, और यहाँ पर हम लोग टोकन लेंगे तो फिर हम जाएँगे आगे। टोकन के साथ और फिर जो है ना हमारी जो सिटी है ना इसके अंदर ना एशिया की सबसे बड़ी मंडी है गुड़ की, तो यहाँ पे ना गुड़ जो है वो वाफर मकदार में ही बनता है। तो ये ना रोड के साथ साथ, ये जो है ना हाईवे, इसके साथ साथ बहुत सारे स्टॉल छोटे 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 उन्होंने लगाए हुए होते हैं, तो वो गुड़ जो होता है वो बनाया हुआ होता है, कुछ वो मेवों वाला होता है, मेवा जात उसमें डाले हुए होते हैं, शक्कर भी होती है, खंड होती है, वो यहाँ से आराम से मिल जाती है। और ये छोटे छोटे से स्टॉल जो है ना वो इसके साथ साथ ही रोड के साथ ही लगे हुए होते हैं। तो बताने की ये बात थी कि जो है ना बच्चे आजकल के, उनके लिए जो जी आम सी चीज़ें हैं भाई, आज एक टॉय मिल गया है तो कल या दो दिन बाद हमें और नया मिल तो जाना है, बस थोड़ी देर के खेलेंगे फिर बस वो फेंक देंगे, तो यही है आजकल, यही चल रहा है। और वैसे भी सर्दी काफ़ी आ गई है, तो सर्दी की वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है, तो इस वजह से शॉपिंग मैं करने जा रही थी बच्चों की, क्योंकि बच्चे जो है ना हर नेक्स्ट ईयर में जो बड़े ही हो जाते हैं माशाल्लाह से, तो फिर उनके जो कपड़े हैं वो छोटे हो जाते हैं, तो इसलिए उनको हर साल ही नए कपड़े बनाने पड़ते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से जब बच्चों की ग्रोथ हो रही हो तो फिर हर साल ही ऐसे हो जाते हैं। तो ये जी शुगर मिल थी, जो हमारी सिटी से थोड़ा सा आगे बहावलपुर के नज़दीक है शुगर मिल, तो वहाँ से हम लोग देखते हैं। ये बहावलपुर में हम हो गए हैं इंटर, और ये देखें जी बहावलपुर की रोड्स के ऊपर दरख्त हैं ग्रीन ग्रीन से, और क्या ही मज़े का समा होता है जब ये हम जाते हैं। तो जब मैं यहाँ पे पढ़ा करती थी तो तब तो क्या ही मज़ा होता था, और मैंने अपनी लाइफ के गोल्डन साल जो हैं वो मैंने यहाँ पे पढ़ा है यूनिवर्सिटी में और कॉलेज वगैरह में, तो बहुत ही मज़े के वो दिन थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत अच्छे दिन हैं और वो भी बहुत अच्छे दिन थे, मगर वो सिंगल वाले थे और ये बेबीज़ की मम्मा वाले हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ से लेनी थी मेडिसन, जो कि हूरिया के दादों की तबीयत नहीं ठीक सी तो उनकी चेकअप करवाना था रूटीन वाइज, तो ये हम लोग गए थे मेडिकल कॉलोनी, वहाँ से हमने हूरिया के दादों की करवाई थी, चेकअप करवाया डॉक्टर को और फिर मेडिसिन वगैरह ली है, और फिर हम लोग चल पड़े थे जी इम्तियाज़ मॉल की तरफ।
ये लें जी, ये हम हो गए हैं जी इंटर इम्तियाज़ मॉल में। और मूसा जो था वो कह रहा था कि बाबा गाड़ी जो है अब हमने ऊपर खड़ी करनी है ग्राउंड में, और हम लोग कह रहे थे कि नीचे आप बेसमेंट में ले चलें, वहाँ से लिफ्ट में चलेंगे। तो अमल और आयत, अमल तो नहीं थी, आयत थी मेरे साथ छोटी, तो वो इतना खुश हो रही थी ना, उसको हम लेके नहीं जाते मतलब ऐसे शॉपिंग वगैरह के लिए जाएँ ना, तो वह तब नहीं लेके जाते। इसने से बच्चे जो है ना वो तंग बहुत करते हैं, तो फिर इस वजह से इस दफ़ा हम आयत की मज़े हो गए थे, आयत को हम साथ ले गए थे। तो आयत भी साथ थी, मूसा भी और हूरिया भी। और ये मैं देख रही थी यहाँ पे ये शू पड़ी हुई थी, सॉक्स वगैरह, लेकिन इनकी ग्रिप बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो मैंने फिर सॉक्स नहीं ली थी यहाँ से, बस ये गर्म कपड़े लेने थे, हूरिया की शर्ट्स वगैरह। यहाँ से हूरिया ने अपना शॉपिंग बैग लिया था, और वो जो थी उसे हमेशा से यही शौक होता है चीज़ें जमा करने का। और यहाँ से इनकी ये बच्चों की चीज़ें थी, पोनियाँ वगैरह, और हूरिया ने यहाँ से अपनी काफ़ी सारी शॉपिंग की थी, तो इसलिए मैंने साथ साथ वीडियो बना ली ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए। और फिर हमें लग गई थी भूख, और हम आ गए थे इस तरफ जहाँ पे खाना बन रहा है, ये देखें। और मैंने यहाँ से सिर्फ क्रीम चाट खाई थी, और वो ही मेरी फेवरेट है, और चना चाट भी मुझे अच्छी लग रही थी। हम लोग घर से निकलते हैं ना, तो बच्चों को और मुझे तो जल्दी से भूख लग जाती है, तो ये हम लोग इस साइड पे आ गए थे, और यहाँ पर ये केक्स वगैरह थे, और ये सारे सैंडविच वगैरह और पिज़्ज़ा और ये बर्गर वगैरह थे। और यहाँ पे ये चोको आइसक्रीम जो कप लिया था, ये मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, और हूरिया को भी बहुत हो रही थी कि मम्मा मुझे ले दें, तो फिर उसको भी ले के दिया था, और ये मैंने और उसने फिर शेयर किया था। और केक्स की तो इस कदर वैरायटी पड़ी हुई थी, और माशाल्लाह से इस हर केक जो ना एक से एक भरकर था, और माशाल्लाह से अल्लाह ताला की नेमतें हैं, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस कदर इतनी नेमतों से नवाजा है, और हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना हर टाइम हर वक्त हमें करना चाहिए। तो ये इधर फ़िश थी, और फ़िश भी हम लोगों ने ली थी, क्योंकि फ़िश आज सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम चल रहा है, तो फ़िश तो हर दूसरे दिन बनती है, तो इसलिए फ़िश भी ली थी। और ये मैंने अपने लिए एक जिंगर शॉर्मा लिया था, हूरिया ने बर्गर लिया था। तो बस शॉपिंग भी हमने कर ली थी और खाना खाया, और इसके बाद हो गई थी वापसी। तो ये था हमारा वापसी का सफ़र, और टाइम भी काफ़ी हो गया था। और इसके साथ ही आप लोगों ने देनी है मुझे इजाज़त, और इंशाल्लाह कल आऊँगी नई वीडियो के साथ। और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।